हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का। ये लेक्चर टू होगा जो ब्रिक्स का है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक। एक अच्छी ईंट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए और उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और वो इंग्रेडिएंट ब्रिक्स को क्या प्रोवाइड करते हैं और उनकी यदि एक्सेस क्वांटिटी है तो उसमें ब्रिक्स में क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, सब कुछ देखेंगे आज। तो इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक जो सिलिका, इसमें क्या है, सिलिका सिलिका 50 से 60% मिलाया जाता है जो कि स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। एलुमिना की क्वांटिटी 20 से 30% होती है। यह प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जब प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है तो इसे मोल्डिंग करने में आसानी होती है। लाइम की क्वांटिटी लेस देन 10% होती है जो कि क्या करता है, एक्सपेंशन करता है और फाउंडनेस करता है, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाता है और फ्यूज करता है। आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी 5 से 6% होती है जो कि कलर और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी होती है 1% होती है जो हार्डनेस और वॉल्यूम चेंज और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको डिटेल में आगे देख लेते हैं हम। सिलिका, जो सिलिका की क्वांटिटी 50 से 60% होती है। सिलिका के यदि हम डिजायर्ड क्वांटिटी में प्रोवाइड करें, मतलब एक फिक्स प्रपोर्शन में या फिक्स अनुपात में इसको मिलाएं तो यह ब्रिक के साइज एंड शेप को मेंटेन रखती है। सिलिका मतलब एक अच्छा रेक्टेंगुलर साइज प्रोवाइड करती है। सिलिका क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रेंकेज को रोकने का काम करती है सिलिका। और यदि सिलिका लाइम एंड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है तो सिलिका जो होती है हमारे लो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, लो है, तब भी फ्यूज हो जाती है। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा टेम्परेचर लो भी है और यदि उसमें आयरन ऑक्साइड और लाइम प्रेजेंट है तो सिलिका हमारा लो टेम्परेचर में फ्यूज हो जाती है। यदि सिलिका की क्वांटिटी एक्सेस मात्रा में है तो क्या करती है, कोहेजन को लूज करती है। कोहेजन क्या होता है, मतलब इफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल, जो सेम पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है उन्हें कमज़ोर करती है तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो वीक और ब्रिटल बन जाएगा। एल्यूमिना की क्वांटिटी होती है 20 से 30% होती है। और एल्यूमिना क्या करती है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। और प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने से हम एक अच्छे डिजायर्ड शेप मोल्ड कर पाते हैं। यदि एल्यूमिना की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है तो यह क्रैकिंग डेवलप करती है ड्यूरिंग ड्राइंग, सुखाते समय क्या करती है, क्रैकिंग डेवलप करती है और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। लाइम की क्वांटिटी यदि लेस देन 10% है, लाइम की क्वांटिटी लेस देन 10% है तो लाइम क्या करती है, सिलिका को फ्यूज करती है। इट प्रिवेंट्स द फ्रिंकेज ऑफ ब्रिक, और ब्रिक के फ्रिंकेज को भी रोकती है। एक्सेस ऑफ लाइम कैन काज फॉर्मेशन ऑफ लम्प, यदि लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लम्प बनते हैं और ब्रिक हमारे डिस्टॉर्टेड होती है, डिसइंटीग्रेटेड होती है। आयरन ऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है ब्रिक में 5 से 6% होती है। इम्पार्ट स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड कलर, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, हार्डनेस को बढ़ाती है और कलर को, और जो कलर होता है रेडिश कलर होता है और डार्क ब्राउन कलर होता है। मैग्नीशिया की जो क्वांटिटी होती है 1% होती है, या येलो कलर प्रोवाइड करती है ब्रिक को और हार्डनेस को बढ़ाती है। कौन, मैग्नीशिया, या फ्रिंकेज को रोकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैग्नीशिया क्वांटिटी यदि ज़्यादा है तो ब्रिक को डीके कर देती है, ब्रिक को नष्ट कर देती है, पूरी ब्रिक हमारी क्या ख़राब हो जाती है, इसलिए मैग्नीशिया क्वांटिटी 1% रखा गया है। तो ये था इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक। और इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक को थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अब बात होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की, ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए सबसे पहले तो ब्रिक अर्थ, जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है उसको तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। इसके बाद मोल्डिंग किया जाता है, फिर नेफ्ट ड्राइंग, फिर बर्निंग। अब एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, कैसे अपन प्रिपरेशन करते हैं ब्रिक अर्थ को, कैसे मोल्डिंग करते हैं, कैसे सुखाते हैं, कैसे पकाते हैं, जलाते हैं, कुछ देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, तो देखो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में पहले अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप मिट्टी खोद रहे हो उसके टॉप लेयर को 200 mm
इसको रिमूव कर दो, अनफाइलिंग हो जाएगी, जो भी इसमें अनवांटेड ऑब्जेक्ट होंगे वो हट जाएंगे। अब फिर इस क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ टॉप लेयर क्या करते हैं, इसको हम डिगिंग करते हैं और डिगिंग करके मिट्टी को निकालते हैं और उसको एक जो ढेर लगा देते हैं, हिप कर देते हैं। वो हिप रहता है 600 से 700 हाइट में। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बेदरिंग। बेदरिंग का मतलब ये होता है कि आपने मिट्टी का ढेर लगा लिया, उसको कुछ समय तक खुले मौसम में रहने दो, एक हफ्ते एक सीजन तक, जैसा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेंडिंग का काम क्या होता है, ब्लेंडिंग में जो भी इंग्रेडिएंट की नीड होती है उनको मिक्सर करते हैं ब्लेंडिंग में। नीडिंग में क्या होता है, पानी को मिलाया जाता है, पानी को मिलाने के बाद मिट्टी को मिक्स किया जाता है। हाँ, अब मिट्टी को कैसे मिक्स करते हैं, देखिए मिट्टी को मिक्स करने का ये तरीका ही है कि आप या तो ह्यूमन अपने फूड से करता है या फिर कैटल के फूड से करते हैं। यदि लेस क्वांटिटी में है तब, यदि ज़्यादा का मोर क्वांटिटी है तो अपन मशीन के द्वारा उसको मिक्स करते हैं, जैसे पगमील, पगमील आपने सुना होगा, पगमील, पगमील से करते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने तो मिट्टी को मिला लिया, हमें बिक थोड़ी प्राप्त हुई है, अभी तो मोल्डिंग करनी पड़ेगी, जो काम मैंने हो तो बाकी है। मोल्डिंग मीन्स होता है डिजायर्ड शेप ऑफ ब्रिक। मोल्डिंग का काम क्या होता है कि आपको डिजायर्ड शेप प्राप्त करना ब्रिक के लिए। मोल्डिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय मशीन, या तो मशीन के द्वारा मोल्डिंग कर सकते हैं या फिर अपन खुद से कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। मोल्डिंग का दो रास्ता है, या तो हैंड मोल्डिंग कर लो भैया या फिर मशीन मोल्डिंग कर लो। यदि आप हैंड मोल्डिंग करोगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, ग्राउंड मोल्डिंग करो चाहे टेबल मोल्डिंग करो। तो हम देखेंगे कि कौन से ब्रिक के लिए कौन से मोल्डिंग है। जब मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, तो मैंने वहाँ बताया था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए टेबल मोल्डिंग होती है। तो क्या होती है टेबल मोल्डिंग और ग्राउंड मोल्डिंग में क्या डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। हैंड मोल्डिंग वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पास क्या होता है, अपन को प्रोडक्शन क्या है, स्मॉल हो, मतलब कम वर्क हो, और मैन पावर क्या है, चीप हो, मतलब हमें मजदूर जो है सस्ते में मिल जाएँ और काम मेरा थोड़ा सा हो, वहाँ पास हैंड मोल्डिंग उपयोग में लाते हैं। नोट, एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पास है, उसको देखिए। एज ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, सो साइज ऑफ मोल्ड केप्ट 8 to 12% लार्जर देन द साइज ऑफ ब्रिक। देखिए क्या होता है कि जो हमारे ब्रिक होती है ड्यूरिंग ड्राइंग और ड्यूरिंग बर्निंग क्या होती है, श्रिंक होती है, श्रिंक होती है, तो उसमें क्या होता है 8 to 12% उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए मोल्ड की साइज को ऑलवेज ऑलवेज 8 to 12% इंक्रीज करके बनाया जाता है, ताकि हमारी ब्रिक की साइज थोड़ी सी बढ़ी हुई रहे, ड्राइंग और बर्निंग के दौरान वही सेम साइज ब्रिक की प्राप्त हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्राउंड मोल्डिंग की बात करते हैं। ग्राउंड मोल्डिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोल्डिंग मोल्डिंग इज डन एट ग्राउंड। अपन क्या करते हैं, जो ब्रिक बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, जमीन में बनाते हैं, सीधी सी बात, ग्राउंड में बनाते हैं। द सैंड इज स्प्रेड ऑन द लेवल्ड ग्राउंड एंड मोल्ड इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। जो हमारा लेवल्ड ग्राउंड होता है वहाँ सैंड को स्प्रेड किया जाता है और वहीं पास मोल्डिंग किया जाता है। उसमें करते क्या है कि द मोल्ड में भी जो हमारा मोल्ड होता है साँचा होता है, टॉप एंड बॉटम सर्फेस उसका ओपन होता है। अब आफ्टर प्लेसिंग दिस मोल्ड ऑन ग्राउंड द क्ले इज प्रेस्ड सच दैट ऑल द कॉर्नर आर फिल्ड प्रॉपरली। जब अपन मोल्ड में यानी सांचे में जब मिट्टी को डालते हैं तो उसके जितने भी चार कॉर्नर होते हैं उनको पूरी तरह से भर दिया जाता है। स्टिकिंग को रोकने के लिए उसके इनसाइड में, या तो फिर आप एक काम करो सैंड को स्प्रेड कर दो, या फिर उसको क्या करते हैं पानी में डुबोते हैं। यदि आप पानी में डुबोते हैं तो उसे बोलते हैं स्लोप मोल्डेड ब्रिक। यदि आप उसमें उसके इनसाइड में स्टिकिंग को रोकने के लिए अपन सैंड को स्प्रेड करते हैं, बोलते हैं सैंड मोल्डेड ब्रिक। आफ्टर प्रेसिंग
ऑफ क्ले इन फायर द मोल्ड इज रिमूव्ड एंड दिस ब्रिक इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। क्या होता है कि जब मिट्टी को फिल कर लिए तो अब क्या करते हैं, उस मिट्टी को ज़मीन में प्रेस किए, यानी एक ब्रिक प्राप्त हो गई आपको एक अच्छी साइज में, और आप मोल्ड को प्रेस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक रहा ग्राउंड मोल्डेड, तो ग्राउंड मोल्डेड में कुछ नहीं था, आसान था। एक बार क्योंकि रिवाइज कर देते हैं कि ग्राउंड मोल्डेड में क्या होता है कि इसमें एक मोल्ड होता है, फांचा होता है, फांचे में मिट्टी को भरा जाता है, उसके चारों कॉर्नर जो होते हैं उसमें फिक्स, मतलब सभी कॉर्नर में मिट्टी को अच्छे से भरा जाता है। इसके बाद ले जाते हैं अपने वहाँ पास जहाँ ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और फांचे को अपने निकाल लेते हैं। यदि उसमें बहुत ज़्यादा स्टिकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब चिपक रहा है, तो आप पानी में डाल दो फांचे को, या फिर उसके अंदर फैंड को स्प्रेड कर लो। यदि आप फैंड स्प्रेड करोगे तो फिर बोलते हैं फैंड मोल्डेड ब्रिक, यदि पानी में डालते हैं तो फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप मोल्डेड ब्रिक। तो एक कहानी रही ग्राउंड मोल्डिंग की। अब बात करते हैं टेबल मोल्डेड ब्रिक में क्या होता है। द होल होल प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ इन ग्राउंड मोल्डिंग। जो भी प्रोसेस मैंने ग्राउंड मोल्डिंग में पढ़ी है, सेम प्रोसेस होती है टेबल मोल्डिंग में। कुछ एक चीज़ है, उसको देख लेते हैं। एक्सेप्ट दैट द टेबल मोल्डिंग द ब्रिक आर मोल्डेड ऑन द टेबल। अपन जो टेबल मोल्डेड जो ब्रिक होती है केवल टेबल में बनाई जाती है, और ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक जो होते हैं ग्राउंड में बनाई जाती है। बस इतना ही डिफरेंस है टेबल मोल्डेड ब्रिक और ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक में। टेबल की साइज की रहती है 2 mm और 1 mm की साइज रहती है टेबल की। तो आई होप आपको हैंड मोल्डिंग समझ में आई होगी। हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग दो टाइप की मोल्डिंग होती है। तो मैंने हैंड मोल्डिंग बताया ग्राउंड मोल्डिंग, और इसमें टेबल मोल्डिंग सेम होता है हैंड मोल्डिंग, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। एक्सेप्ट दैट इसमें क्या होता है कि अपन टेबल में मोल्ड करते हैं फिर ग्राउंड में मोल्ड करते हैं। अब आइए बात करते हैं मशीन मोल्डिंग की। मशीन मोल्डिंग में कुछ नहीं होता, मशीन मोल्डिंग केवल मशीनें बनाई जाती है। बस इतना याद रखिए, मशीन मोल्डिंग कैन बी डन बाय मशीन। अब मैंने तो ब्रिक को बना लिया। अब ब्रिक को बनाने के बाद अब क्या करेंगे भैया, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिमूव करने के लिए अपन ड्राई कर रहे हैं, सुखाते हैं। अब सुखाने का भी कई तरीका है, या तो आप मैन्युअली कर लो या फिर मैकेनिकली कर लो। अब देखते हैं कैसे करते हैं अपन। द मोल्ड ब्रिक मॉइस्चर कंटेंट अप टू 30% रहती है। अपन जो ब्रिक मोल्डेड किए हैं मोल्ड के द्वारा, जो मैंने मोल्डेड किया है ब्रिक को, उसमें क्या है कि वाटर कंटेंट 30% से ज़्यादा होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन ब्रिक। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन ब्रिक क्या है, तो बच्चे बोलते हैं क्या ब्रिक हरी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब आपने जब ब्रिक को मोल्डेड किया और वो ब्रिक में वाटर कंटेंट 30% है, रहता ही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन ब्रिक बोलते हैं। इफ ग्रीन ब्रिक इज फॉलोड बाय बर्निंग प्रोसेस। अब क्या होता है, अब एक ग्रीन ब्रिक करते क्या है, ग्रीन ब्रिक अपन जब तक ब्रिक बर्निंग नहीं हो जाती तब तक फिर क्या होता है, इसमें वाटर कंटेंट बना ही रहता है। इफ ग्रीन ब्रिक इज और इसी वाटर कंटेंट को रिडक्शन करने का जो तरीका होता है, इसे बोलते हैं ड्राइंग। फॉर द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड अप टू 5-7%। अपन ड्राइंग के द्वारा 5-7% इसका वाटर कंटेंट को रिडक्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो अपन एक जो ब्रिक होती है, मैं बताया ना कि मैकेनिकली कर लो चाहे मैनुअली कर लो, जो मैकेनिकली करते हैं तो क्या करते हैं, टेम्परेचर इज डन जनरली लेस देन 120 डिग्री एंड दिस प्रोसेस टेक अबाउट 3 डेज। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री से कम करते हैं, एंड दिस प्रोसेस टेक अबाउट 3 डेज। और यह प्रोसेस क्या होती है, 3 दिन तक। मतलब यदि हम करते हैं तो 5-7% हमारा वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं बर्निंग। अपने ड्राइंग भी कर ली, इसके बाद देखते हैं बर्निंग। ब्रिक को जलाया जाता है, तो ब्रिक को जो जलाने से हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है और हार्डनेस मिलती है। इन द बर्निंग ऑफ ब्रिक अटेम्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। बर्निंग ऑफ ब्रिक शुड बी प्रॉपर इफ ब्रिक इज अंडर बर्नड द विल बी सॉफ्ट एंड कैन नॉट कैरी लोड। यदि ब्रिक पूरी तरह से नहीं जली है, अंडर बर्न है, तो वह प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगी और वह सॉफ्ट हो जाती है।
इफ ब्रिक इज, यदि ब्रिक बहुत ज़्यादा जल गई है, ओवर बर्नड हो गई है, तो ब्रिटल हो जाती है और डिस्टार्टेड हो जाती है, क्योंकि फिलका मेल्ट हो जाता है, जब फिलका पिघल जाता है तो क्या होती है, डिस्टार्टेड हो जाती है और मतलब ब्रिटल हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टेज कंप्लीट थ्री स्टेजेस, जो बर्निंग स्टेज होता है मतलब प्रोसेस होता है बर्निंग करने का, वो तीन स्टेज में होता है। एक होता है डिहाइड्रेशन, विट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और विट्रिफिकेशन, उनको देख लेते हैं। तो हमारे जला हम जलाते क्यों हैं ब्रिक को? ब्रिक को जलाने से हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, एक अच्छी हार्डनेस मिलती है। वाटर के कंटेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो मतलब जलाने के दौरान, मतलब जो फुकाते समय वाटर कंटेंट रिडक्शन नहीं हुआ था, वह बर्निंग के दौरान वाटर कंटेंट रिडक्स हो जाता है, इसलिए अपन बर्निंग करते हैं। अब आते हैं इसमें, इसको तीन स्टेजेस में करते हैं। पहला स्टेज होता है डिहाइड्रेशन स्टेज, जिसमें टेम्परेचर को 400 to 600 मतलब 450 to 650 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि वाटर स्मोकिंग स्टेज, डिहाइड्रेशन स्टेज आज आल्फो नोन एज वाटर स्मोकिंग स्टेज। इसमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि मतलब डिहाइड्रेशन स्टेज को हम वाटर स्मोकिंग स्टेज कह सकते हैं, देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द वाटर कम्स आउट विच रिमूव इन क्लिप। क्या होता है कि जो ड्राइंग के दौरान जो वाटर नहीं निकल पाया था, जो वाटर उसमें पोर्स में रह गया था, उस वाटर का अब रिडक्शन होता है इसमें बर्निंग में, इसलिए बोलते हैं वाटर स्मोकिंग स्टेज। इसमें जो कार्बोनेशियस मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं डिहाइड्रेशन में। सल्फर भी रिमूव हो जाता है डिहाइड्रेशन में। यदि कार्बोनेटेड मटेरियल प्रेजेंट है ब्रिक में तो वो डिकार्बोनेटेड हो जाते हैं, किसमें, डिहाइड्रेशन के दौरान। अब सेकंड स्टेज आती है ऑक्सीडेशन पीरियड। इसमें टेम्परेचर को रखा जाता है 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, अपने जो कार्बन और सल्फर रिमूव हो रहे थे डिहाइड्रेशन में, इसमें कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं, 100% रिमूव हो जाते हैं। फेरस ऑक्साइड जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के दौरान। जो विट्रिफिकेशन होता है, विट्रिफिकेशन में टेम्परेचर को 900 डिग्री से 1200 डिग्री रखा जाता है। और विट्रिफिकेशन में क्या होता है, एक ग्लास लाइक सब्सटेंस प्राप्त होता है, बहुत अच्छी खाफी स्ट्रेंथ मिल जाती है विट्रिफिकेशन में। तो गाइज आज का ये रहा डिस्कशन, हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इंग्रेडिएंट ऑफ वुड ब्रिक क्या होता है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, और हमें प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, हम ब्रिक को कैसे बनाते हैं, मैंने सारी चीज़ डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बर्निंग की प्रोसेस की, कि हम कैसे कैसे बर्निंग करते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं। इतने में हमारा ब्रिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम इसके एमसीक्यू कर लेंगे। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर, लेक्चर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले लेक्चर में हम कुछ इम्प्रूवमेंट और ला सकें। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।